हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ झंडेवालान मंदिर। हमारी जो जर्नी है वो शुरू होती है दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से। ग्राउंड फ्लोर से हमें जाना है ऊपर की तरफ। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे बेहतर वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। लीजिए, हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 में, जो कि अब हम जाएंगे दिलशाद गार्डन से पहले कश्मीरी गेट, फिर कश्मीरी गेट से हमें दूसरी मेट्रो लेनी पड़ेगी जिससे हम पहुँचेंगे राजीव चौक और फिर हम वहाँ से झंडेवालान जाएंगे। तो ये लीजिए, हमारी मेट्रो आ गई है और हमारा सफ़र शुरू हो गया। झंडेवालान मंदिर करोल बाग में स्थित है, जो कि माँ आदि शक्ति को डेडिकेटेड है। ये दिल्ली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। दिलशाद गार्डन से मात्र 15 मिनट में हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट। नीचे उतर के आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे कश्मीरी गेट पे, बर्गर किंग, चाउस, जलपान, इवन मैकडी वगैरह भी आपको कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे मिल जाता है। यहाँ से अब हम अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए जाएंगे, जो कि हमारी येलो लाइन है। यहाँ से आपको लेफ्ट साइड पे मुड़ना है और ये हम यहाँ से स्टेयर से नीचे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे राजीव चौक के लिए मेट्रो का। राजीव चौक और कश्मीरी गेट, ये दोनों ही मेट्रो स्टेशन थोड़े से बिजी रहते हैं, थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा होती है, तो आप दोनों पे ही ध्यान रखिए, अपने सामान का और खुद का भी। अब हम आ गए हैं यहाँ से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। अब आपको स्टेयर से ऊपर चढ़ना है जैसे कि मैंने किया है, और उसके बाद से हम सीधा चलेंगे और टुवर्ड्स द्वारका वाली ब्लू लाइन मेट्रो का हम वेट करेंगे। ये आ गई हमारी मेट्रो और यही मेट्रो हमें झंडेवालान तक लेके जाएगी। राजीव चौक से झंडेवालान हार्डली 4 to 5 मिनट्स का रास्ता है। सिर्फ दो स्टेशन है, राजीव चौक, फिर आरके आश्रम और फिर झंडेवालान। इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो लीजिए, अब हम पहुँच चुके हैं झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पर। झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहला जो नज़ारा दिखता है वो हनुमान जी का दिखता है। इस तरह से ये दिल्ली करोल बाग का बहुत फेमस मंदिर है, हनुमान टेम्पल। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे स्टेयर्स का यूज करके। झंडेवालान मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करने के दो रास्ते हैं। अगर आपको हनुमान मंदिर जाना है तो आप राइट साइड वाला एग्जिट यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे झंडे वाली माता के यहाँ जाना है इसलिए मैं लेफ्ट साइड वाले एग्जिट से एग्जिट लूँगी, जो कि गेट नंबर 2 से हमें बाहर निकलना है। गेट नंबर 2 से एग्जिट लेते ही इस तरह की स्टेयर्स आ जाएंगी। हम स्टेयर्स से जब नीचे जाएंगे तो सामने ही आपको ई रिक्शा वाले मिल जाएंगे, जो कि आपको डायरेक्ट मंदिर तक छोड़ देंगे। बट मैं ई रिक्शा ना लेकर शॉर्टकट से पैदल जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। स्टेशन से बाहर निकल के जैसे ही आप लेफ्ट साइड पर टर्न लेंगे आपको इस तरह के रूट्स दिखाई देंगे। हमें एकदम सामने वाली गली में जाना है जिसमें येस बैंक लिखा है और HDFC लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है। बस वहाँ से एकदम सीधा चलते जाना है हमें। यहाँ पर रास्ते में आपको रॉयल एनफील्ड वगैरह के शोरूम भी मिल जाएंगे इस तरह से, तो ये आप ऐसा लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं। इस गली में बिल्कुल एंड तक जाना है और उसके बाद गली के एंड होते ही हमें लेफ्ट साइड पे टर्न लेना है। और इस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ते रहना है। ये गली पूरी की पूरी कार रिपेयरिंग शॉप से भरी हुई है। यहाँ से बस आपको सीधा चलना है और आपको ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स मिल जाएंगी इस तरह से, आपको इन पे चढ़ते जाना है। और यहाँ से ऊपर जाते ही मेन रोड आ जाएगी और रोड क्रॉस करते ही हम मंदिर के गणेश द्वार के बैक साइड में पहुँच जाएंगे।
तो लीजिए आ गए हैं हम मेन रोड पे, और ये जहाँ पे मैं आपको एरो दिखा रही हूँ वहीं से रास्ता जा रहा है झंडे वालन माता के मंदिर का। ये उनका पीछे का रास्ता है, बैक साइड का। इस गली से हमें बिल्कुल सीधे चलते जाना है, आपको कहीं भी टर्न लेने की जरूरत नहीं है, एकदम स्ट्रेट जाना है। ये जो गली जिसमें मैं जा रही हूँ, ये झंडे वालन माता के साथ में जो गणेश द्वार है वो वाली गली है। हम पीछे की साइड से जा रहे हैं, अब मैं आपको आगे का रास्ता दिखाती हूँ कि आगे से ये कैसा दिखता है। रास्ते में आपको इस तरह की छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप चाहें तो कुछ पूजा का सामान ले सकते हैं। ये देखिए माता का झंडा दिखने लग गया है, यानी हम बस मंदिर के मेन प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से ये रहा मंदिर के सामने का मुख्य नज़ारा, ये है झंडे वाली माता का मेन मंदिर जो कि मुख्य द्वार है जहाँ से सारे श्रद्धालु अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है मेन रास्ता, जब आप ई रिक्शा से अपनी कन्वेंस से आते हैं तो आप इसी रास्ते से आते हैं। मंदिर के जस्ट सामने ही पूजा की इस तरह की दुकानें हैं जहाँ से आप नारियल, माता की फ़ोटो या जो भी प्रसाद है आप चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के लेफ्ट साइड में आपको इस तरह के जूते चप्पल रखने का कॉर्नर मिल जाएगा, यहाँ अपने हेलमेट्स भी जमा करवा सकते हैं। और इसी के ही साथ में वो रास्ता है जिसके अंदर से होकर हम मेन मंदिर के अंदर जाएंगे। माँ के दर्शन के लिए आए हुए लोगों के लिए इस तरह का एक टनल टाइप बनाया गया है जो कि वैष्णो देवी, मनसा देवी आदि के दरबार में भी हमें देखने को मिलता है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से सब कुछ तैयार किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आ सके। फिलहाल यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, तो अगर आप नारियल, चुन्नी या कुछ भी आप लेके आते हैं मंदिर में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि माता को यहाँ पे कुछ भी भेंट नहीं चढ़ाई जा रही है। तो इसलिए मैंने भी नहीं लिया, मुझे भी नहीं पता था, मैं नारियल खरीद रही थी बट दुकान वाले भैया ने ही बताया कि कोई फ़ायदा नहीं है ले जाने का, इसलिए मैंने प्रसाद नहीं लिया है। बस अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर। लीजिए आ गए हैं हम भवन के अंदर, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई है दर्शन के लिए, और अंदर कई सारी लाइनें बनती हैं बट अभी इतनी भीड़ नहीं है इसलिए सिर्फ एक ही लाइन बन रखी है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। ये मंदिर का भीतरी हिस्सा है, यहाँ से हमें घूम के जाना पड़ेगा। ये झंडे वाली माता का बैक साइड है, ये दीवार है उसकी, यहाँ पे लोग अपने मन्नत के धागे, चुन्नी बांधते हैं। ये मेन हॉल है जहाँ पे सत्संग वगैरह होता है, यहाँ बैठ भी सकते हैं आप, यहाँ बैठ के अपना पूजा पाठ आपको करनी है, कोई मंत्र करना है, आप यहाँ पे आराम से बैठ के कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, हम भी अब लाइन लगाएंगे और माँ के दर्शन करेंगे। एक बार एक क्लोजअप रिव्यू ले लेते हैं पूरे एरिया का। झंडे वाली माता के मंदिर की महिमा की तो बात ही निराली है। ये मंदिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है जिसका नाम है बद्री भगत झंडे वालान मंदिर सोसाइटी। कहते हैं यहाँ पे मांगी हुई हर मन की मुराद, जो भी आप सच्चे दिल से मांगते हैं हर जायज़ मुराद पूरी होती है, इसलिए यहाँ की बहुत मान्यता है। आप इस तरह से दर्शन कर सकते हैं, यहाँ आदि शक्ति के साथ साथ माँ काली, माँ सरस्वती भी विराजमान है। ये माँ के दरबार के बिल्कुल सामने वाला एरिया है जहाँ से आप दूसरी साइड जा सकते हैं, लेफ्ट या राइट, तो आप यहाँ खड़े होकर भी मन की मुराद अपनी मांग सकते हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए बोल दिया जाता है, तो आप पीछे से जाके दर्शन कर सकते हैं इस तरह से।
झंडे वाली माता का जो मंदिर है वो सुबह 6 बजे से खुल जाता है श्रद्धालुओं के लिए और रात 9:30 बजे तक मेनली खुला रहता है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए भोग आरती के लिए मंदिर के कपाट कुछ देर के लिए पर्दों से ढक दिए जाते हैं ताकि माँ का भोग और श्रृंगार कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी ही मंदिर के प्रांगण में ही इस तरह की और भी ईश्वर रखे हुए हैं, उनकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। सबसे पहले हम बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। लाइन से बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे भगवान की, अलग अलग छोटे छोटे एरिया बना रखे हैं भगवान के अलग अलग मूर्तियों के। बालाजी महाराज फिर उनके साथ में ही हैं हमारी लक्ष्मी माता, फिर गणपति बप्पा, माँ अन्नपूर्णा, माँ शीतला माता की भी यहाँ पे मूर्ति आपको देखने को मिलती है। आगे आप देखेंगे कितनी भव्य कितनी सुंदर मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई हैं कि देखो तो देखते रह जाओ। ये है हमारी शीतला माता। माँ की बात हो और गौ माना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ गौ माता के भी दर्शन हो जाते हैं और इसके बाद उस दिव्य ज्योति के दर्शन करते हैं जो कि यहाँ के भक्तों द्वारा ही प्रज्वलित की जाती है। ये है वो दिव्य ज्योति जो कि हमेशा जलती रहती है, ये भक्तों द्वारा संचालित की जाती है। मंदिर के प्रांगण के अंदर ही गुफा दर्शन भी होते हैं, पर कुछ समय के लिए अगली सूचना तक गुफा के दर्शन जो है वो बंद कर दिए, नहीं तो मैं आपको वहाँ के दर्शन भी करवाती। अब हम बाहर आ गए हैं, यहाँ से इस तरह से आप लाइन जहाँ से आपने एंटर किया था वहीं से आप बाहर आ सकते हैं और ये रहा गणेश द्वार। अब यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ वापस। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये वो प्रसाद है जो मुझे माँ के दरबार से मिला था, ये है पंचामृत। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आपको मेट्रो स्टेशन के पास से इस तरह की शिकंजी भी मिल जाएगी, भी गर्मियों का टाइम है तो शिकंजी तो बनती है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।